में आपका स्वागत है। समर का सीजन चल रहा है तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मिंट चोको आइसक्रीम। पहले हम मिक्सर में 13-14 पुदीना की पत्तियां, 1 टेबल स्पून शक्कर और थोड़ा सा पानी मिलाकर पीसकर अलग रखेंगे। अब हम एक बाउल में 1 कप ठंडा फ्रेश क्रीम को इलेक्ट्रिक बीटर से 4-5 मिनट तक बीट करेंगे। क्रीम को तब तक बीट कीजिए जब तक ये डबल ना हो जाए। जैसे ही आप देखेंगे कि ये प्लफी हो रहा है तब उसमें हम 1/2 कप मिल्क मेड और 1 टीस्पून वनीला एसेंस मिलाकर दोबारा 1 मिनट तक के लिए बीट करेंगे। मिक्सर के क्रीमी होने पर उसमें पुदीने वाला पेस्ट और थोड़े से चॉकलेट चिप्स डालकर फिर से 1 मिनट तक बीट करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण को एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे। मैंने यहाँ एल्युमिनियम का कंटेनर यूज किया है, आप चाहे तो स्टील का या फिर प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं। फिर हम बचे हुए चोको चिप से आइसक्रीम को गार्निश करेंगे। अब मैं ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल रखूंगी ताकि आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल ना जमे। अब कंटेनर को कवर कर दूंगी। अब 7-8 घंटे तक सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। ध्यान रखिए आइसक्रीम को हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमाएं, वरना ये ढीली जमेगी। देखिए मिंट चोको आइसक्रीम बनकर तैयार है। आइसक्रीम को यहाँ मैंने चॉकलेट सिरप, चोको चिप्स और मिंट लीफ से गार्निश किया है। रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।